हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। पीबी फर्स्ट मिसलेनियस जीके सीरीज का पार्ट 5 है। पार्ट 4 भी तक बना चुके हैं, नहीं देखें तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में जाके आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर है वो अब आप खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्ट है, मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उमरिया जिले में। स्कॉटलैंड से प्रेरित होकर एक स्कॉट राजनायक ने सीहोर में एक चर्च बनाया था, वह कब बनाया गया था? तो ये जो चर्च है ये बनाया गया था 1838 में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये चर्च है, ये इस तरीके से इसको मतलब बनाया गया था उतने टाइम पे। तो ये चर्च का जो नाम है वो है ऑल सेंट चर्च। तो इसका निर्माण अंग्रेजी हुकूमत के पहले पॉलिटिकल एजेंट जेड डब्ल्यू ओसबोर्न ने अपने भाई की याद में इसको बनवाया था। और एक और फैक्ट याद रखें, सीवन नदी के किनारे ये बना हुआ है। उसमें सबसे पहली बार 1860 में जीसस के सामने प्रार्थना की गई थी। तो सीवन नदी आपको याद रखना है और ऑल सेंट इसका नाम याद रखना है, और किसने बनवाया था, जेड डब्ल्यू ओसबोर्न ने इसको बनवाया था। तो ये इतने फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। अगला फैक्ट है हमारा, रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहां पर है? तो रायसेन जिले का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है हमारा भोजपुर। अच्छा, एक और फैक्ट है आपका, सीहोर में कौन सा गणेश मंदिर एक वहां पर है। ठीक है, गणेश मंदिर भी आप याद रखें, सीहोर में एक गणेश मंदिर भी है। जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहां स्थित है? तो ये हमारा जबलपुर में स्थित है। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल बताइए, तो ये है आपका अमरकंटक। भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये है आपका ताजुल मस्जिद। स्वामी विवेकानंद किसके परम शिष्य थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस के। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला, तो वो थी आपकी कल्पना चावला। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह है इंदौर। किस राज्य ने गीता जौहरी को अपनी पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था गुजरात ने, गीता जौहरी को पहली महिला मतलब डीजीपी वो बनाई गई थी। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति मतलब होता है फेलोशिप। ठीक है, फेलोशिप प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे अर्धशीर कटरजी वाडिया। ठीक है, ये थे, इनको सबसे पहले इसमें फेलोशिप दी गई थी रॉयल सोसाइटी में। अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन थे? तो मतलब लीडरशिप किसने करी थी? तो ये थे एस जेड कासिम। भारत में कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडारण है? तो वो है हमारा झारखंड। अब आप बताएं कमेंट करके, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला भंडारण किस जिले में है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। भारतीय संविधान का 4th A ठीक है किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इंफोसिस के कौन से सह संस्थापक को 2017 में गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में अपने बोर्ड में लौटा दिया गया? तो वो थे नंदन नीलेकणी। किस राज्य केंद्र सरकार शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है? तो जो फ्रेंच है वो आधिकारिक भाषा है पांडिचेरी की। उस भारतीय का नाम बताएं जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जो कविता थी उसको बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनाया। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल है, जहां पर सबसे ज्यादा चावल होता है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध हैं शहनाई के लिए। भारत में प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो ये जीता गया था 1983 में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पर है? डिंडौरी जिले में। उमरिया मंदिरों में नक्काशी किसके समान है? तो खजुराहो के मंदिरों के समान यहाँ पे इसकी नक्काशी है। आदि गांव का किला कहाँ स्थित है? तो आदि गांव जो का किला है वो है आपका सिवनी जिले में स्थित। मध्य प्रदेश में पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो यह है आपकी पचमढ़ी में। वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो ये करा गया था 1983 में। और 1983 में याद रख लो कि भारत ने सबसे पहली बार कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीता था, ध्यान रखें इसको। भिंड का टेर किला किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपकी चंबल नदी। ठीक है, देखिए किला हो गया या मंदिर हो गया, तो यहाँ से संबंधित फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर जैसे भिंड का टेरी किला है तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी जरूर याद रख लिया करें अगर वहाँ पे आसपास कोई नदी है तो। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी महबूबा मुफ्ती। सी वी आर रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किस वर्ष किया था? तो ये करा था 1928 में। लाली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा विटामिन मसूड़ों में रक्त स्राव को की रोकथाम करता है? तो यह एस्कॉर्बिक एसिड।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। विश्व दूर संचार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। भारत का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, ध्यान रखें, अक्सर पूछा जाता है। अगस्त 2017 में बलात्कार हमले के आरोप में विवादास्पद संत को 20 साल के लिए जेल भेजा गया, तो वो कौन है? वो है गुरमीत राम रहीम। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपकी खड़गवासला, ध्यान रखें। मतलब जो आपकी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसको बोलते हैं NDA, यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये है आपकी खड़गवासला। राष्ट्रीय जनता पार्टी कब केंद्रीय सत्ता में आई थी? तो ये आई थी 1977 में। BHIM, भीम का क्या मतलब है? तो भीम का मतलब है व्हाट, भारत इंटरफेस फॉर मनी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ये जामुनी नदी है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा बहाती है, और जामुनी नदी जो है आपकी बेतवा जो नदी है उसकी सहायक नदी है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने के लिए हमारी हेल्प करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं। थैंक यू।